बालक बड़ा मंद बुद्धि वाला है, इसे बचाना चाहते हो तो मेरी निगाह से इसको दूर कर दो। अरे तू तो नर्म कर्म है, ये क्या कठिन ईट है दोनों की। क्योंकि ये बालक पाप करने के योग्य है। नाथ करम बालक बरछो। हे ना, आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये भी शुद्ध मुख है। नाम वचन सुन कछु जुड़ाने कछु जैसे सोने के घड़े में तीस भर दिया जाए। हे राम, तुम्हारा भाई उस प्रकार है जो मुझे तेरी निगाहों से देख रहा है। नाथ तुम सहज सुजाना। हे राम, आपके साथ जो सुजाने हैं फिर क्यों बालक के वचनों पर ध्यान दे रहे हैं। राजा जनक, ये बालक बड़ा हठी है, इसे बचाना चाहते हो तब मेरी निगाह से दूर कर दो, वरना इसी फरसे से काट कर मैं यमपुरी पहुंचाऊंगा। यमपुरी ऐसे लगन का मनवाही मुझे आज कहता हूं। धनुष खंडन कर डाला, तुझे अभिमान हो गया। तो सुन, मैं परस राम कहलाता हूँ, तू भी जो राम कहता है तेरा ही नाम छीन करके मुझसे ही राज जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, वरना कर संक्राम ही, या तो इस पृथ्वी से दे छोड़ कहना राम अभी। हे ना, आप बचन और विचार करिए, मेरी इतनी छोटी सी जो और आपका इतना भारी क्रोध। हे राम, हे राम, अगर ब्रह्म हजारी है तब मेरी सत्ता बिता दीजिए और भगवान विष्णु का दिया हुआ जाप इसे चढ़ा दीजिए। नीलाम भुजा श्याम मले को मलागम सीता सवारो इत वाम भागम। नीलाम भुजा श्याम मले को मलागम सीता सवारो इत वाम साथ लेकर तब आप लोग जाइएगा, क्योंकि जिनका परम सौभाग्य होगा भगवान की कलेवा का प्रसाद उन्हीं को मिलेगा और जिनका दुर्भाग्य